हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। आज देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ टोमेटो ऑमलेट, जिसके लिए मैंने प्याज लिया हुआ है, जिसे मैंने चॉप्ड में काट लिया हुआ है। ये मैंने लिया चाट मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और मैंने लिए हुए हैं 8 टमाटर और 4 अंडे और ऑयल। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम टोमेटो को ऐसे लंबे शेप में काटेंगे। और इसके बीच का जो गूदा है वो हम निकाल देंगे। गूदा और बीज जितने भी हैं, इन सबों को हम निकाल देंगे। इसको अच्छी तरह साफ कर लेंगे पूरा। इसी तरह दूसरा भी काट लेते हैं। इसी तरह जितने हम सभी काट लेंगे। मैंने पूरा गूदा जितना भी था और बीज सब निकाल लिया। मंडों को तोड़ लेते हैं। देख लेते हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज। और लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जिस हिसाब से आप तीखा खाते हो। बच्चों के लिए बना रहे हो तो तीखा कम कर दें। ये काली मिर्च का पाउडर और जो चाट मसाला, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। अब इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसको एक साइड में करते हैं और पैन में डालेंगे तेल। आप 1 से 2 चम्मच के करीब तेल ले सकते हैं। इसको हमें पूरा फैला लेना है इसमें। आप इसको चारों तरफ लगा लें। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। एक एक करके इसमें रख लेते हैं। अब जो मैंने अंडे का बैटर बनाया हुआ है, इसको हम इसमें डाल लेंगे। मैंने गैस ऑन करके इस पे रख दिया। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। इसको हम 5 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। अभी देखिए 5 मिनट हो चुका। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम इसको कम से कम 15 मिनट तक के लिए इसी तरह लो से मीडियम के बीच में ढक के रख देंगे। इसको हम एक बार चला लेते हैं।
मैंने इसके सारे छिलके निकाल लिए हैं। इसको हम आराम आराम से प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें वापस से डालेंगे तेल, एक से दो चम्मच। इसको भी चारों तरफ फैला लेते हैं। अब फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और जितना बचा हुआ बैटर था अंडे का उसको हम डाल देंगे बीच में। अब इसी पे ये टमाटो जो बना हुआ है इसको हम एक एक करके इसी पे रख देंगे। इसको भी हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। अब देखिए हमारा टोमेटो ऑमलेट बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसको डिसआउट कर लेते हैं। अब हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च छिड़क देंगे। और इसी में चाट मसाला डालेंगे। देखिए अब बन के तैयार है टोमेटो ऑमलेट। और आप भी ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगता है ये, बच्चे या बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।